श्री कृष्णा, मैं नीरू हमारे चैनल राधा एंड के ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ जो आप सब खुश स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आई हूँ एकदम मस्त वाली। तो फ्रेंड्स, उससे पहले इतनी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है जो आपको अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, फेसबुक पे भी फॉलो करें। और फ्रेंड्स, एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है जो बीच में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलो फिर रेसिपी की ओर चलते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ मस्क मेलन की बहुत यूनिक, स्पेशल और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मस्क मेलन ले लिया है मैंने और उसको बहुत अच्छे से धो करके और आगे से थोड़ा सा कट कर देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कट किया है। उसके बाद मैं आइसक्रीम निकालने वाला ले ली हूँ और उससे इसी तरीके से हम घुमा घुमा करके निकाल लेंगे सारा बीज, और जितना भी गूदा हमें निकालना है उतना हम निकाल लेंगे। अगर आपके पास आइसक्रीम निकालने वाला ना हो तो आप अपना टेबल स्पून ले लें, जो घर में खाने का स्पून होता है चम्मच, वो ले सकते हैं। और इसको खरबूजा भी बोलते हैं हम लोग। तो खरबूजे को जो है अच्छे तरीके से आपको जितना गूदा निकालना है आप निकाल लें, और आपको जितना कम ज़्यादा वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है जो आप इसके अंदर कितना खाली रखना चाहते हैं। क्योंकि जो मैं इसके अंदर भरने वाली हूँ ना फ्रेंड, बहुत ही मज़ेदार है और आप देख करके अपने आप को रोक नहीं पाओगे और देखते ही तुरंत बनाने के लिए जाओगे। जी हाँ, तो इसको थोड़ा सा मैं अच्छा शेप देने की कोशिश कर रही हूँ और इसके अंदर मैं ज़्यादा भरूँगी, इसके लिए मैंने इसको पूरा खाली कर दिया है। और इसमें से जो चीज़ें आपको बाहर दिख रही है ना, जैसे कि इसके गूदे हैं, बीज है, इसमें से कुछ भी मैं फेंकने वाली नहीं हूँ। हर चीज़ इसका यूज होने वाला है और वेस्टेज इसमें से कुछ भी नहीं जाने वाला है सिवाय इसके छिलके के। तो अच्छे तरीके से मैंने निकाल लिया है और अब ये देख सकते हो पूरा एकदम अच्छे से खाली हो चुका है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप नए हैं तो, अगर आप पुराने हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो ये बीज है, इसको मैं बहुत अच्छे से धो करके और रख लूँगी, फेंकूँगी बिल्कुल भी नहीं। अब मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में मैं ले लूँगी 1.5 ग्लास दूध, 1.5। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा ले, कप का हिसाब है। तो आप जो नॉर्मल जो हम पानी पीते हैं ग्लास में, उस ग्लास से आप 1.5 ग्लास ले सकते हैं। इस टाइप की ग्लास हम सभी के पास होती है, स्टील की हो फिर भी चलेगी, कोई भी मापने का आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप अंदाज़ा लगाए तो 0.5 लीटर दूध है। अब हम इसको अच्छे तरीके से उबालेंगे पहले, और अच्छे तरीके से इसको जो है मिलाते जाएंगे, चलाते जाएंगे, बिल्कुल भी हमें स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि स्टॉप करने से जो नीचे लग जाएगा तो हमें जलाना बिल्कुल भी नहीं है इसको, इसलिए। और जब हमारा दूध उबल जाएगा फिर आगे की कार्रवाई करेंगे इसकी। तो फ्रेंड्स, इस टाइम में, इस सिचुएशन में और ऐसे गर्मी के मौसम में हम सब खरबूजा खाते हैं, तरबूजा, वाटरमेलन, मस्क मेलन, हर तरह की चीज़ें खाते हैं, लेकिन जो हालात है जिसमें हमें इम्यूनिटी बूस्टर की ज़रूरत है, अपने आप को फिट रखने की ज़रूरत है। तो अभी हमारा जो है दूध उबल करके और आधा हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो उसके बाद मैंने डाल दिए हैं इसमें कम से कम 100 ग्राम चीनी डाले हैं मैंने। 100 ग्राम चीनी के साथ साथ मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिए हैं मिल्क पाउडर। आप कोई भी मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। उसके बाद मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले हैं, जैसे कि बादाम, काजू, पिस्ता और किशमिश। आप इसमें से जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं, और इसी में से मैंने थोड़ा सा बचा लिया है। आपके पास जो भी है आप डालें, और ना हो ना फ्रेंड तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दूध का भी बहुत अच्छा बनता है, दूध और चीनी डाल करके आप इसको रबड़ी के जैसे बना सकते हैं। अब जैसे इतने दूध में मैंने डाला था चीनी, तो आपको दूध को थोड़ा सा और ज़्यादा गाढ़ा करके और फिर चीनी डाल के और उसमें डाल देना है। अब ये हमारा जो है बिल्कुल रबड़ी जैसा तैयार हो चुका है, और ये बनने में फ्रेंड हमें 20 मिनट लगे थे, और 20 मिनट के लिए जो है ये तैयार हो गया 20 मिनट के अंदर, और इतनी ही गाढ़ी हमें रखनी है इसको। अभी ये देख सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है इसको और उबाल दिया हमने। अब ये बिल्कुल ठंडा होगा, और ठंडा होने के बाद
हम इसको रख देंगे। अब एक बाउल में हमने ट्रांसफ़र कर लिया और हम इसको ठंडा होने के लिए रख दिए, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर होने देना है इसको। और जो हमने मस्कमेलन खाली किया था उसके अंदर इसको फिल कर देंगे रबड़ी को, और ये सारा का सारा रबड़ी हमारा जो है अच्छे से फिल हो जाएगा। तो थोड़ा हमने रबड़ी डालना है और थोड़ा सा जो खरबूजा कट करके रखा था ना उसको मैंने और छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिए थे। थोड़ा आपको रबड़ी डालना है और थोड़ा खरबूजा डालना है, ऐसे ऐसे ही करके आपको एक लेयर सी तैयार कर लेनी है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड। ऐसे बना करके एक बार ज़रूर देखिएगा और हाँ, खाने के बाद कमेंट कीजिएगा जो आपको कैसा लगा। जैसे लुक वाइज देखने में अच्छा लग रहा है ना, ऐसे भी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लाजवाब मस्कमेलन की रेसिपी जो है आप लोग इस तरीके से बहुत खाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, यूनिक है। और मैं हमेशा हर वीडियो को थोड़ा अलग करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगे, आप लोग भी इंजॉय कर सकें टेस्ट में भी और वीडियो देखने में भी। अब ये पूरा फिल करने के बाद हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जो बचा करके रखे थे ना वो इसके ऊपर डाल देंगे ताकि ये देखने में अच्छा लगे। इसके लिए अगर आपके पास ड्राई फ्रूट नहीं हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की भी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छा लगता है। अब इसको जो ऊपर का निकाले थे उससे कवर करके हम ओवरनाइट के लिए इसको रख देंगे फ्रिज में। और फ्रिज में निकालने से पहले थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था ये रोज़ के पत्ते जो होते हैं ना गुलाब के, वो डाले थे थोड़े से ताकि देखने में और खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगे। ये हमारी जो है वाटरमेलन की मस्त सी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको निकाल करके दिखाती हूँ, ये देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, देख सकते हो बिल्कुल। मैं पास से आपको दिखा रही हूँ तो बिल्कुल भी आप लोग वेट मत कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा और बना करके खाइएगा ज़रूर। और हाँ, वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करेंगे वीडियो को। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखें। उम्मीद करती हूँ जो आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई हो और आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दें। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्ण।